Welcome to my YouTube channel Mumtaz Vlogger and Himalayan Motor Irfan Both Mixing. तो आज है जुमा और फ्राइडे जो आज बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज इसलिए स्पेशल दिन है, आज दो दो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ रही है इसी एक दिन पर. आज स्पेशली तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे एंड 75वां जो हमारा रिपब्लिक डे है. एंड और आज है हमारे लिए मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन, आज है जुमा. तो मैं अभी ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ. ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मैं फटाफट तैयार होऊंगा, आज जुमे के लिए स्पेशल हम तैयार होंगे. तो आज अपने थोड़े से जो डेली के टास्क है उससे रुक जाते हैं. तो देखते हैं आज हम फ्राइडे स्पेशल क्या करें. तो आज है हमारा प्लान सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में घी शक्कर खाने का. तो फटाफट मैं इसको प्रिपेयर कर लेता हूँ. मैंने अपना मिल्क शेक भी प्रिपेयर कर लिया है, दूध भी आ चुका है, दूसरा दूध मैंने गर्म करने रख दिया है. और अभी फ़िलहाल मेरा सिर्फ घी शक्कर तैयार करने का टास्क पेंडिंग रहता है. उसके बाद मैं फटाफट फ्रेश होऊंगा. फ्रेश होने के बाद फटाफट अपना एक जो फेवरेट इतर है उसे लगाऊंगा. तो ये बात हम वहाँ कंटिन्यू करते हैं, फिलहाल हम यहाँ फोकस करते हैं. फिर फटाफट चलेंगे अपने काम पे और 1:30 के करीब यहाँ पे जुमे की नमाज होती है, फिर इबादत करते हैं. और मैं सबके लिए दुआ करूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे किसी भी परेशानी से मतलब जूझ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी उस परेशानी से फ्री हो जाए. और सबके जो मम्मी पापा हैं उन सबकी हेल्थ बिल्कुल एकदम गुड रहे. तो अगर आपको ये छोटे मोटे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अरे बातें बहुत हो गई, खाना भी तो खाना है, ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं पहले. तो चलो करते हैं ब्रेकफास्ट तैयार. अभी देखो मेरा घी शक्कर तैयार हो जाएगा 2 मिनट में. फाइनली हमारा घी शक्कर तैयार हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो कि घी देखो ऊपर ऊपर तैर रहा है. तो ये भी हमने बनाया था, तो अभी ये तैयार हो चुका है. फिर अब चलते हैं कुछ और करते हैं, फटाफट घर को थोड़ा सा समेट लेते हैं और फिर तैयार होकर फिर काम पे भी जाना है और जो नमाज पढ़ने भी जाना है. तो चलिए, वो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी और मैं देखो फटाफट जा रहा हूँ फ्रेश होने. तो देखिए अभी वक्त है जादू का, तो अभी मैं तैयार होकर आया. तो फाइनली मैं हो चुका हूँ तैयार. देखिए मैं अपना एकदम तैयार हो चुका हूँ और अब मैं अपना फेवरेट इतर लगाने जा रहा हूँ, जो मेरा ये फेवरेट इतर है. तो मैंने इसे एरो चैम का ये इतर है अल्ताफ का. तो मैंने ये लिया था सिकंदराबाद से जो यूपी में पड़ता है. तो मैं अभी से लगा लेता हूँ ताकि जो खुशबू है वो माइंड को एकदम रिफ्रेश कर दे और ये हमारे नबी की सुन्नत भी है, तो इसलिए तो लगाना बनता है. तो अब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलते हैं छोटे से ब्रेक में. तो फाइनली हम तैयार हो चुके हैं और अब जा रहे हैं काम पे और वहाँ से जाऊँगा मैं नमाज पढ़ने के लिए. तो अब बाकी के सीन, तो पापा जी चले गए हैं पानी देने, तो मैं कुछ जरा मेरा काम याद आ गया था. तो मैं जितनी भी वेजिटेबल्स हैं तो मैंने यहाँ पे इन्हें डिकम्पोज करने के लिए कंटेनर रखा है और मैं इसमें इन्हें कर देता हूँ. तो ये मेरे इन प्यारे से जो मेरी बहुत ही दिल के करीब है, खेतों के काम आएगी एक खाद. तो हमारा सफ़र हो चुका है शुरू, अब हम चल निकल चुके हैं अपने काम के लिए. मैं अपनी मस्जिद की तरफ पहुंच चुका हूं, तो आई होप आप सभी की जायज़ दुआएं कबूल हों. मिलते हैं आप थोड़ी देर के बाद. ओ फाइनली मैं नमाज पढ़ के आ चुका हूं और ये है अपनी छोटी सी वर्कशॉप जहां पे अभी हम वर्क कर रहे हैं. तो देख सकते हैं आज ठंड बहुत ज़्यादा है और आज बारिश के कुछ अनुमान या स्नोफॉल के कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं. बाकी अभी फ़िलहाल कुछ पक्का पता नहीं है. तो अभी हम कुछ वर्क कर लेते हैं, फिर जाते हैं घर, फिर दिखाते हैं आपको आज हम क्या क्या करने वाले हैं, थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग ही करेंगे. इस टाइम जो टाइम हो रहा है 5:45 हो रहा है और हमारा जो साइड पे वर्क है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो अब हम घर की ओर निकल रहे हैं, तो खाने के लिए कुछ सब्ज़ी ले लेते हैं और देखते हैं आज क्या बनाएंगे. ये और मशीन रख ली है स्कूटी पे और कर देते हैं अपने वर्कशॉप को लॉक.
देख सकते हैं जैसे कि अब अंधेरा हो चुका है और हम यहाँ पे रात के टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा, और सिंचाई हम अपने खेतों में जब पानी लगाने आए थे तो अंधेरे में मैं शूटिंग करने की कोशिश की, हाथ ही दिख रहा होगा, तो चलो घर की तरफ चलते हैं। घर पे आ चुके हैं और ठंड इस टाइम अप्रॉक्स ये कोई टेम्परेचर 3 या 4 हो रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि आज मौसम, आज बारिश थी बताई भी, तो अभी हम आग जला रहे हैं ताकि हमारा रूम जो है गर्म हो जाए और फिर हम आराम से बैठ के, मैं अभी फिलहाल चाय बनाऊंगा, चाय बनाने के बाद फिर मैं खाने की प्रिपरेशन करूंगा। तो फिलहाल अभी देखो आग जल रही है तो थोड़ा कमरा जो है वार्म हो जाएगा और सुकून देगा फिलहाल के लिए। इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, इस टाइम पूरे 9:50 हो रहे हैं, मतलब 9:50 हो रहे हैं। तो अभी मैं डिनर कर चुका हूँ तो अभी रिलैक्स मोड में आ चुका हूँ। तो अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके और आप को अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं दोबारा से आपको विश करता हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे एंड एंजॉय विद योर फैमिली एंड स्टे सेफ एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल और अपने किसी भी हॉबी पे वर्क कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल कीजिए और कामयाब होइए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स।